हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन सेशन वन के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जेई मेन्स एंड जेई एडवांस के लिए भी। जेई मेन्स में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, एंड जेई एडवांस में तो देखा गया है कि हर पेपर में, हर साल जेई एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने नहीं किया है तो एक बार जाके प्रॉपर कर लो, एंड अगर तुम देखना चाहते हो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन देखो, एंड सॉल्यूशन से ही मैं सिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, तो वो तुम्हें सीखने को मिलेगा। होपफुली इस सॉल्यूशन को देखने के बाद प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ जानने को मिलेगा तुम्हें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, बैग कंटेन 8 बॉल्स हुज कलर आर इधर व्हाइट और ब्लैक। मतलब एक बैग है जिसमें या तो व्हाइट बॉल है या तो ब्लैक बॉल है, मतलब दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, या तो मतलब जो भी है, वट एवर द पॉसिबिलिटीज। 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉल निकाला किसी ने एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब फिर से नहीं रखा, निकाल दिया तो खत्म। एंड इट वॉज फाउंड 2 बॉल्स आर व्हाइट 2 बॉल्स आर ब्लैक। 2 बॉल व्हाइट है उसमें, 2 बॉल ब्लैक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी है बैग में इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल है? इसका मतलब बैग में 4 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? ओके, तो अब तुम सोचो बहुत सारे केसेस बनेंगे। अपने पास अगर 8 बॉल है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए ना, ट्री डायग्राम बना लेना चाहिए। ट्री डायग्राम बनाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। 8 बॉल्स है अपने पास, ठीक है? तो वन पॉसिबिलिटी इज सारे के सारे व्हाइट बॉल हो, लेकिन अगर सारे के सारे व्हाइट बॉल हो और 2 बॉल निकाला गया है तो वो सारे व्हाइट ही होंगे। 4 बॉल निकाला जाता तो चारों व्हाइट ही होते, लेकिन उसने बोला है पहले 2 ब्लैक बॉल है 2 व्हाइट बॉल है, तो 2 से शुरू करते हैं। एक्चुअल में वन पॉसिबिलिटी इज 2 व्हाइट हो 6 ब्लैक हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 3 व्हाइट हो 5 ब्लैक बॉल हो उसमें। थर्ड पॉसिबिलिटी इज 4 व्हाइट हो 4 ब्लैक बॉल हो। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज 5 व्हाइट हो 3 ब्लैक बॉल हो। एंड वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर कि भाई 6 व्हाइट बॉल हो 2 ब्लैक बॉल हो। दीज आर 6 पॉसिबिलिटी, एंड 6 के 6 सबके होने के इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल चांस है। डैट इज 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। कोई भी एक हो सकता है, सबका होने का चांस इक्वल है। अगर ये होता तो अपने पास 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल निकाला गया है हमेशा, 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होता? तो तुम बोलोगे यार 2c2 × 6c2 / 8c2। यहाँ से 3c2 × 5c2 / 8c2। यहाँ से 4c2 × 4c2 / 8c2। यहां से प्रोबेबिलिटी इज 5c2 3c2 / 8c2। यहां से 2 व्हाइट 2 ब्लैक का 6c2 2c2 / 8c2। प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला आता ही होगा तुम्हें, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। टोटल पॉसिबिलिटीज 8 बॉल में से कोई भी 2 बॉल उठा लो। अच्छा, 2 बॉल थोड़ी उठा रहे यार, मैं तो गलत लिख रहा हूँ, 4 बॉल उठा रहे। 8c4 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 8c4, 8 में से कोई भी 4 बॉल उठा लो, दिस इज टोटल पॉसिबिलिटी। एंड तुम्हें 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल ही चाहिए, तो ऊपर फेवरेबल लिख दिया अपना। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन? बोला गया कि 2 बॉल निकाला, एंड इट इज फाउंड डेट 2 व्हाइट है एंड 2 ब्लैक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द बैग कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल? क्या प्रोबेबिलिटी है इस पाथ से आया हुआ है 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल 4 व्हाइट 4? तो ये तो क्लासिकल बेस थ्योरम हो गया। तो देखो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, ऊपर लिखूंगा 1/5 × ये वाला चीज़ 4c2 × 4c2 / 8c4। जब डेनोमिनेटर में लिखूंगा तो मैं हर जगह 1/5 × this 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 1/5 × this, तो सब में 1/5 कॉमन होगा, एंड सब में 8c4 डेनोमिनेटर में कॉमन होगा। तो 1/5 × 1/8c4 कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट के अंदर जाने वाला है 2c2 × 6c2 + 3c2 × 5c2 + 4c2 × 4c2 +
फाइव सी टू इंटू थ्री सी टू प्लस सिक्स सी टू इंटू टू सी टू। यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है 1/5, 1/5, 8c4, 8c4 कैंसल आउट हो जाएगा। 4c2 होता है 6, 4c2 होता है 6, तो ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 6। 2c2 होता है 1, 6c2 कितना होगा, 6 इंटू 5 13/2 15, प्लस 3c2 इज 3, 5c2 इज 5, c2 इज 10, तो ये 30। 4c2 6 इंटू 6 36, 5c2 इंटू 3c2 फिर से 30, 6c2 इंटू 2c2 फिर से 15। तो देखो ऊपर आ रहा है अपने पास 36, नीचे आ रहा है 30 प्लस 30 60, प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120, 126। दो से कैंसिल आउट कर दो तो 18 हो जाएगा, दो से इधर 6 एंड इधर आ जाएगा 3, तो अभी 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 6, 3 2 1, फिर से 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 7, तो आंसर इज 2/7, 2/7, यस ऑप्शन नंबर 2। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मतलब बेसिकली बेस थ्योरम का क्लासिक प्रॉब्लम है ये, कि पहले रिजल्ट दे दिया जाता है एंड पूछा जाता है किस पाथ से प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें बेस थ्योरम लगाने होते हैं, जो भी पाथ फॉलो हो रहा है उस पाथ का प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख दो एंड टोटल पॉसिबल पाथ का प्रोबेबिलिटी नीचे लिख दो, डेट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इजी लेवल का था। बोला लेट अजय विल नॉट अपियर इन जे एग्जाम विथ प्रोबेबिलिटी दिस, वाइल बोथ अजय एंड विजय विल अपियर इन एग्जाम विथ प्रोबेबिलिटी दिस, देन वट इज द प्रोबेबिलिटी अजय विल अपियर इन द एग्जाम, विजय विल नॉट अपियर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो वेन डायग्राम बना लो, एक अजय एक विजय, ठीक है। अब तुम सोचो, एक दो तीन चार, चार रीजन है अपने पास। बोला अजय विल नॉट अपियर इन जे एग्जाम, अजय विल नॉट अपियर इन जे एग्जाम मतलब पी अजय बार गिवन है, पी अजय बार गिवन है 2/7, तो पी ऑफ अजय क्या प्रोबेबिलिटी है अजय अपियर करेगा इस 5/7। अभी देखो विजय के बारे में क्या दिया है, विजय विल अपियर इन द एग्जाम विथ प्रोबेबिलिटी क्यू। अच्छा, वाइल बोथ अजय एंड विजय विल अपियर, अजय एंड बोथ, बोथ का मतलब ये वाला पार्ट होता है, डेट इज अजय इंटरसेक्शन विजय, अजय इंटरसेक्शन विजय गिवन है 1/5, देन द प्रोबेबिलिटी डेट अजय विल अपियर एंड विजय विल नॉट अपियर, अजय अपियर करेगा विजय नहीं अपियर करेगा, डेट इज पार्ट टू। पार्ट टू का प्रोबेबिलिटी इज, दिस पार्ट का प्रोबेबिलिटी मुझे पूछा गया है, विच इज सेम एज प्रोबेबिलिटी अजय, डेट इज टू एंड थ्री, उसमें से प्रोबेबिलिटी अजय इंटरसेक्शन विजय कर देना है। प्रोबेबिलिटी अजय मालूम है मुझे 5/7, अजय इंटरसेक्शन विजय मालूम है 1/5, आंसर आ गया नीचे 35, ऊपर आ गया 25-7, 25-7 कितना हो गया 18/36, सॉरी 18/35, 18/35 ऑप्शन नंबर टू। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल, बोला फेयर डाइस टॉस रेपिटेडली अंटिल अ सिक्स ऑब्टेंड, तब तक थ्रो करेंगे डाइस को जब तक 6 ना आ जाए, ठीक है। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, ए इज प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि ए है प्रोबेबिलिटी कि थर्ड टाइम में 6 आ गया, थर्ड टाइम में 6 आ गया मतलब पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार 6 नहीं आया, थर्ड बार 6 आ गया, पहली बार 6 नहीं आया का प्रोबेबिलिटी इज 5/6, फिर से 6 नहीं आया का प्रोबेबिलिटी इज 5/6, देन 6 आया उसका प्रोबेबिलिटी इज 1/6, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, सो ए की वैल्यू आ चुकी है 25/216, दिस इज ए। सिमिलरली बी, बी में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज्यादा बार में 6 आता है, तो इसका मतलब बस यही इनफाइनाइट जीपी बनेगा। कैसे इनफाइनाइट जीपी बनेगा, पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार 6 नहीं आया, तीसरी बार आया, वो लेना है मुझे, एक्स इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, या फिर पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार 6 नहीं आया, तीसरी बार 6 नहीं आया, चौथी बार 6 आ गया, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार नहीं आया एंड पांचवी बार आ गया, फिर इसी तरीके से एंड सोन, 1 2 3 4 पांच बार नहीं आया, छठी बार आ गया एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ओके, तो पहली बार आ गया नहीं आया 5/6, नहीं आया 5/6, देन 1/6, फिर से यहाँ 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6,
नेक्स्ट में आएगा 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6, 5/6 टू द पावर 1 2 3 4 5 इंटू 1/6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ओके, तो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है यार 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 को कॉमन निकाल लिया जाए अगर ब्रैकेट में, ये बन जाएगा 1 प्लस 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये तो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला सबको आता होगा, इधर 25/216 आ चुका है। इनफाइनाइट जीपी इज ए डिवाइड बाय 1 - r, 1 - r का मतलब 1 - 5/6, दिस इज सेम एज 25/216 इंटू ये आ जाएगा 6 - 5, एक ऊपर चला जाएगा 6 डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो ये आ गया 25/36। ओके, तो बी की वैल्यू आ चुकी है 25/36। अभी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दिया, बोला है पी सी इज पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन डेट एक्स इज ग्रेटर देन 3, ये बोला है। हाँ, सो ये ए है ये बी है एक तरीके से, तो आंसर इज पी ए बाय बी पूछा गया है। पी ए बाय बी का प्रोबेबिलिटी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अभी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आंसर आता है, तो नीचे तो पी बी आएगा, नीचे इज भाई एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3 मतलब 5/6 तीन बार आया, 1/6 मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में आया 6, 5/6 चार बार आया देन 1/6, 5/6 पांच बार आया देन 1/6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि 6 से ज्यादा आया, 3 से ज्यादा आया, तो इंटरसेक्शन ही 6 से ज्यादा आया, 6 से ज्यादा आया मतलब एग्जैक्टली सिक्स बार में आया, सिक्स बार में आया तो 5/6 टू दी पावर 5 बार नहीं आया, सिक्स बार आया, 5/6 टू दी पावर 6 बार नहीं आया, सेवन्थ बार आया, 5/6 टू दी पावर 7 इंटू 1/6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये अपना आ जाएगा सी, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, सी की वैल्यू कितनी आ रही है देख लो, ऊपर आ जाएगा 5/6 टू दी पावर 5 इंटू 1/6 कॉमन ब्रैकेट के अंदर ए डिवाइड बाय 1 - 5/6 विच इज सेम एच 5/6 टू दी पावर 5 इंटू 1/6 इंटू 6 एंड नीचे डेनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6 कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा ए डिवाइड बाय 1 - 5/6 सो विच इज सेम एज 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 कट गया, 1/6 कट गया, 5/6 का होल क्यूब से 5/6 टू द पावर 2 बचा, उधर 5/6 टू द पावर 2 बचा, तो ये बन गया, तो ये आ गया अपने पास 25/36, ये भी 25/36 है सी। तो अब जो भी पूछा है यार आंसर बता दो फटाफट, बी प्लस सी डिवाइड बाय ए की वैल्यू पूछी है, बी है 25/36 नहीं 36 × 6, ए है ये, नहीं नहीं ये तो ए नीचे आना चाहिए ना, बी बी इज 25/36 25/36 इंटू 2 क्योंकि बी भी 25/36 ही आया था एंड नीचे इज 25/36 इंटू 1/6 तो ये तो कैंसल आउट हो गया, 2 से 3 ना 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 ऊपर 12 गया, 2 से 3 नहीं कटा, 12 आंसर, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ये क्वेश्चन तुम्हारे ना एनसीईआरटी के मतलब मिसलेनियस है ना, प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी क्लास 12 का मिसलेनियस वाला पार्ट जो है ना उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अर्न कंटेंट 6 व्हाइट बॉल 9 ब्लैक बॉल, पहले ही बता दिया भाई 6 व्हाइट बॉल है 9 ब्लैक बॉल है। टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड, चार बॉल निकाला फिर चार बॉल निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले चार बॉल निकाल लिया फिर से चार बॉल निकाला रिप्लेसमेंट नहीं किया। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल व्हाइट बॉल एंड सेकेंड ड्रॉ गिव्स ऑल ब्लैक बॉल, पहली बार निकाला सारे व्हाइट ऑल व्हाइट देन ऑल फोर ब्लैक चाहिए और ऑल फोर व्हाइट ऑल फोर ब्लैक, पहली बार में जाएंगे तो मेरे पास कितने व्हाइट होंगे 6 में से कोई भी 4 उठा लूँ डेट इज माई फेवरेबल, टोटल इज मेरे पास टोटल इज 15 बॉल्स होंगे तो 15 में से कोई भी 4 उठा लो। देन जब मैं दूसरी बार जाऊंगा तो 4 बॉल उठ चुके होंगे, तो दूसरी बार का जो कंडीशन कुछ दिख रहा होगा ना उसमें 2 व्हाइट दिख रहा होगा 9 ब्लैक दिख रहा होगा, अब तुम जाके बॉल उठाओगे तो ब्लैक तुम्हारे पास 9 अभी भी है तो 9c4, लेकिन जब नीचे लिखने जाओगे डेट विल बी 11c4,
बस यही आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लो एंड जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। मेरे हिसाब से 3/715 आता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फेयर डाइज थ्रोन अंटिल टू अपियर्स। सिमिलर क्वेश्चन है इसी टाइप का, अंटिल 6 अपियर था वहां पे, यहाँ पे अंटिल टू अपियर्स। क्या प्रोबेबिलिटी डेट टू अपियर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज? इवन नंबर ऑफ थ्रोज या तो दूसरी बार आया, या तो चौथी बार आया, या तो छठी बार आया, या तो ये सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ एंड सो ऑन, फिर से इनफाइनाइट जीपी। सेकेंड बार आया मतलब पहली बार दो नहीं आया, दूसरी बार दो आ गया। फोर्थ बार आया मतलब दो दो दो, नहीं, दो पाँच। सिक्स्थ बार आया मतलब दो 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 दो, पांच बार नहीं आया, सिक्स्थ बार आ गया एंड सो ऑन। दो आने का प्रोबेबिलिटी इज, दो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6, दो आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, दो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6, तो इसका होल क्यूब देन 1/6, फिर दो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 टू द पावर 5 देन 1/6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। खत्म ये क्वेश्चन। 5/6 × 1/6 आपको कॉमन ले लेने का है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1, 5/6 का होल स्क्वायर 5/6 टू द पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट जीपी फिर से बन गया। एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5/6 × 1/6 इधर आ जाएगा, a/(1 − 25/36) तो अल्टीमेट आंसर आने वाला है 5/36 × ये 36 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 36 − 25, 36 − 25 ही 6, 5, 11, तो 5/11 आंसर। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन भी इजी था, इजीली हो गया। अगला सवाल बोला एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 50। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द चूजन इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 1 of 4, 5, 6 and 7। ए एक सेट है विच इज मल्टीपल ऑफ 4, बी एक सेट है मल्टीपल ऑफ 6, सी एक सेट है विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो हमें क्या चाहिए एक्चुअल मालूम है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज सेम एज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस ये कर देना था, खत्म हो गया। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब मल्टीपल ऑफ 4, 1 से 50 तक मल्टीपल ऑफ 4 कितने होंगे, तो 50/4, 50/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 12 पॉइंट समथिंग, तो 12, तो प्रोबेबिलिटी 12 बाय टोटल 50C1 शायद, एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम रैंडम तो 50C1 50। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बी, बी का मतलब 6, तो 50/6 8 पॉइंट समथिंग, तो 8/50। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 7 का मल्टीपल 7 पॉइंट समथिंग, तो 7/50। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन मतलब 4 एंड 6 का मल्टीपल, 4 एंड 6 मतलब 24, 24 का मल्टीपल 2, 2/50। बी इंटरसेक्शन सी मतलब 7 एंड 6 का मल्टीपल, 7 × 42 एक, 1/50। सी इंटरसेक्शन मतलब ए, तो 1/50। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो आएगा ही नहीं, ठीक है 0। तो यहाँ से आंसर आ गया डायरेक्ट, नीचे 50 रहेगा, ऊपर कितना रहेगा 12, 8, 20, 20 + 27 − 4, ठीक है 23/50। गड़बड़, कुछ गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, 12, 8, 20, 20 + 27, 27 में से 2 गया, 25, 25 में से 2 गया, 23/50 आंसर 23/50 नहीं है। ओके, क्या मिस्टेक किया, कुछ तो मिस्टेक किया। मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 4, 6 एंड 7, 4 का मल्टीपल कितना है 1 से 50 में, 50/4 किया, 12 × 48 है ना, तो ये 12 आएगा, 12/50। 6 का मल्टीपल कितना है 50/6, 6 × 48 8, 7 का मल्टीपल 7 × 7 = 7, देन ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4 एंड 6 का मल्टीपल, 4 × 6 = 24, 24 का मल्टीपल बेसिकली तो 2 आएगा, देन उसके बाद ले लो
बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन एस सच का 42 का मल्टीपल एक आएगा, देन सच का 28 का मल्टीपल भी एक ही आएगा, देन तीनों का मल्टीपल जीरो आएगा, तो यही तो आंसर आना चाहिए। यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, चार एंड छः का मल्टीपल ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, एक नंबर जो चार का भी मल्टीपल हो छः का मल्टीपल हो डेट इज सेम एज 12 का मल्टीपल हो, नॉट 24 का मल्टीपल, क्योंकि 12 भी तो ऐसा नंबर है जो चार का मल्टीपल है छः का मल्टीपल है। यार प्राइम रहता तब तो 6 × 7 ये चलेगा, 6 × 7 × 4 ये चलेगा, दीज आर प्राइम नंबर्स, लेकिन 4 और 6 आर नॉट प्राइम नंबर, वाओ चलाक, लेकिन एक ऑप्शन देना चाहिए था तब गड़बड़ होता। तो यहाँ पे चार आ जाएगा, 12 का मल्टीपल ही चार, तो 4 × 2 = 6, 6 तो 21/50 आंसर होना चाहिए, 21/50 यस सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला टू इंटीजर्स एक्स एंड वाई आर चूजन विथ रिप्लेसमेंट, अरे यार फ्रॉम द सेट 0 से लेकर 10, टोटल 11 नंबर है अपने पास, उसमें से दो नंबर अपने को सेलेक्ट करना है विद रिप्लेसमेंट, मतलब सेम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 5 होगा, बहुत सिंपल है यार, इसमें तो काउंटिंग ही करना पड़ेगा, मॉड एक्स माइनस वाई, मॉड को ध्यान में रखना है, एक्स माइनस वाई मतलब एक्स कैन बी ग्रेटर देन वाई, वाई कैन ऑल्सो भी ग्रेटर देन एक्स, तो अगर मैं एक्स पे कंडीशन बनाऊँ तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो वाई की वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है इक्वल टू नहीं चलेगा, तो 6, 7, 8, 9, 10, एक्स को मैंने अगर 1 लिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 7, 8, 9, 10, एक्स को अगर मैंने 2 लिया तो वाई की वैल्यू आएगी 8, 9, 10, एक्स को अगर मैंने 3 लिया तो वाई की वैल्यू आएगी 9, 10, एक्स को मैंने अगर 4 लिया तो वाई की वैल्यू आएगी 10, एक्स को मैंने 5 लिया तो वाई नहीं आएगा, ठीक है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में था, सेम टू सेम केस वाई के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कि एक्स ये हो, वाई कैन बी एनीथिंग, मतलब यहाँ वाई एक्स के जगह वाई डाल दो, y के जगह x डाल दो, सेम केस रिवर्स हो जाएगा क्योंकि मॉड है तो वहां पे दोनों चलेगा, दोनों चलेगा तो ये कितने केस हैं, ये है 5, 4, 9, 3, 12, 14, 1, 15, ये टोटल 15 केस है, एंड 15 केस फिर से आएंगे, टोटल एक्चुअल में 13 केस आएंगे, सॉरी 30 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 11 × 11, 121, 13 / 121। अगला सवाल, ए बैग कंटेन्स 3 white, 7 red ball, एक बैग ए ले लिया, 3 white है, 7 red है, बैग बी कंटेन्स 3 white, 2 red, 1 bag is selected at random एंड ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट, प्रायोरिटी ऑफ ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम द बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट, अगर वाइट बॉल निकला है देन क्या प्रायोरिटी ए से निकला है, फिर से ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया कि वाइट बॉल निकला है एंड ए से निकला है, ऊपर लिख दो वाइट बॉल निकला एंड ए से निकला, ए से निकलने का प्रायोरिटी 1/2 एंड वाइट बॉल निकलने का 1 ball is drawn ना, हाँ ठीक है, तो 3/10 नीचे आ जाएगा 1/2 × 3/10 एंड 1/2 × 3/5, खत्म आंसर, 1/2 1/2 1/2 हर जगह से काट दो, 5, 2, 2 तो इसको भी काट दो, 3, 3, 3 काट दो, ये आ जाएगा 1/2 / 1/2 + 1, ठीक है, तो 1/2 / 3/2 तो 1/3 आंसर। थर्ड ऑप्शन, ये तो बहुत सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन था यार, मतलब इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है सच में, लिटरली मतलब किसी को बेस थ्योरम अगर किसी ने खाली सुना भी था ना, मतलब सुन लिया था खाली कि सर ने पढ़ाया होगा अगर बेस थ्योरम और उसने सुन लिया होगा कि ये होता है, तो ये क्वेश्चन तो हो जाता है यार, किस शिफ्ट में आया हुआ था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 30th January shift 2, ठीक है, 2 marbles are drawn इन सक्सेशन फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग 10 red ball, 30 white ball, 20 blue ball, 15 orange ball, एक बैग में इतने सारे मार्बल्स हैं, 2 marble एक एक करके निकाला गया विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करके, देन द प्रोबेबिलिटी डैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड सेकेंड इज वाइट, रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी इज, रेड एंड वाइट का देखो प्रोबेबिलिटी 10 by टोटल कितना है अपने पास 10, 30, 10, 40,
तीस 60, 10, 70, 5, 75, 10/75, देन वाइट, वाइट का 30/75, खत्म। ये कैलकुलेट कर लेना है तुम्हें। 25, 5 से 15, 5 से 2, ठीक है, 15, 2, 4/75, 4/75, खत्म। अगला सवाल, बोला थ्री रोटेन एप्पल्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 15 गुड एप्पल्स, ठीक है, तीन अपने पास रोटेन है एंड 15 गुड है। ओके, अज्यूमिंग द रैंडम वेरिएबल टू बी एक्स टू बी द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स इन अ ड्रॉ ऑफ टू एप्पल, दो एप्पल निकाला, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, द वेरियंस ऑफ एक्स। अच्छा देखो, ये वेरियंस वाला चीज ना, इसके लिए तुम्हें यार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, तो तुम टेबल बनाना शुरू करो। एक्स एंड पी ऑफ एक्स, एक्स के बारे में सोचो, अगर दो दो एप्पल निकाला तो ऐसा हो सकता है जीरो रोटेन आए एक्स, क्योंकि माना है अज्यूमिंग द रैंडम एक्स टू बी नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स इन ड्रॉ ऑफ टू एप्पल, या तो एक रोटेन आए या तो दो रोटेन आए, ठीक है। जीरो रोटेन आने का प्रोबेबिलिटी इज तुमने सारे के सारे गुड सेलेक्ट किए, 15C2, एंड नीचे कितना आने वाला है, 18C2। एक रोटेन एप्पल आने का मतलब 3C1, एक रोटेन तुमने सेलेक्ट किया 15C1, एक गुड सेलेक्ट किया, नीचे टोटल 18C2। दो रोटेन आने का मतलब 3C2, तीन में से ही दो सेलेक्ट कर लिया एंड नीचे इज 18C2। ये आ गया तुम्हारा एक्स आई पी आई। अब देखो वेरियंस क्या होता है, वेरियंस वेरियंस इज ई ऑफ एक्स का, ऐसे कर लो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, डेट इज एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ई एक्स इज एक्स इंटू पी एक्स का समेशन। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखना, एक्स स्क्वायर 15C2/18C2, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स स्क्वायर जीरो का स्क्वायर प्लस 3C1/15C1/18C2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3C2/18C2 × 2 का स्क्वायर। ये आ गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स इज 0×15C2/18C2 प्लस 1×3C1×15C1/18C2 प्लस 2×3C2/18C2। बस ये आंसर आने वाला है तुम्हारा वेरिएंस का, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा आ जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। 3C1 is 3, 15C1 is 15, 18C2 निकाल लो, 18×17/2 आता है, 2 से इधर 9 भी कट जाएगा, 17×9 आता है, 9 से 3, 3 जा 9 भी कट जाएगा, फिर 3, 5 जा 15 भी कट जाएगा, तो कैंसिल आउट होते जा रहा है, ठीक है, तो 5/17 आ गया ये तो। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेना एंड सो ऑन, तुम्हारा कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। खाली तुम्हें याद क्या रखना है, अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी एक होता है, डेट इज मीन, मीन होता है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स की वैल्यू आती है एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एंड वेरियंस ऑफ एक्स आता है, वेरियंस ऑफ एक्स इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वेरियंस निकाल लो, सॉरी मीन निकाल लो, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है वेरियंस। एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट रूट अंडर वेरियंस, जो भी वेरियंस आ जाएगा उसका रूट ले लेना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगला सवाल, बोला एक क्वाइन इज बायस्ड, बेस्ड लिख दिया है, बायस है, सो डेट हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू हेड, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एक्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, 2x, तो एक्स प्लस 2x होना चाहिए 1, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, उस क्वाइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3। अब आगे देख लेते हैं, क्वाइन को टॉस किया गया 3 बार, क्या प्रोबेबिलिटी है, दो टेल आएगा, दो टेल एक हेड, दो टेल है एक हेड आने का पॉसिबिलिटी 3×2, 3 बार आएगा, 3 बार क्या क्या आएगा वो काउंट भी करके दिखा सकता हूँ, TTH, THT, HTT, ओके, सो TTH, TTH, इसको × 3 कर देना था, आंसर आ जाएगा, 3 3 कट गया, 2/9 आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, खत्म। ओ माय गॉड, तो देखो यार प्रोबेबिलिटी मैंने फिर शुरुआत में ही बोला था, प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
ऑफ जेई मेन्स एंड जेई एडवांस। तो पीएमसी एंड प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे ढंग से कर लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से तो यार अगर तुम जेई एडवांस जेई मेन्स दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जेई एडवांस का भी सपना होगा ही। तो अगर तुम चाहते हो जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करना तो उसमें यार प्रोबेबिलिटी आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और अगर एक क्वेश्चन लेट से टफ भी आया, 3 क्वेश्चन आया, तुमसे 2 क्वेश्चन तो हो जाएगा ना। जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी टाइम है तुम्हारे पास तो प्रोबेबिलिटी तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ लो एंड अगर कुछ है, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ से तुम्हें आंसर करूँगा। एंड कोई और हेल्प चाहिए तो तुम मुझे मेल कर सकते हो पर्सनली, वहाँ से तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।